अब होता क्या है, हाई एंड कार मैन्युफैक्चरर्स जब अपनी गाड़ी बनाते हैं तो उनका भी एक ही ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमने कुछ ऐसा कलर करना है कि गाड़ी अलग से दिखे। तो एज अ व्यूअर आपको लगता होगा कि ऑरेंज कलर तो ऑरेंज कलर है, सब एक बराबर है, बट ऐसा होता नहीं है। कलर्स जो बनते हैं वो पिगमेंट से बनते हैं और पिगमेंट्स की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कलर का फिनिश किस तरीके का आएगा। तो अगर आप वैगन आर पे ऑरेंज देख रहे हो वर्सेज आप अगर लैम्बोर्गिनी में ऑरेंज देख रहे हो, तो दोनों में जो पिगमेंट्स यूज हुए हैं वो बहुत अलग है, कलर भले ही ऑरेंज हो। तो भी जब भी हम ऐसा कोई हाई एंड कलर बनाते हैं या फिर टिंटेड क्लियर वाला कलर बनाते हैं या कोई ऐसा कलर बनाते हैं जिसमें स्पेशल पिगमेंट्स जाने वाले हैं, तो उसका कलर कॉस्ट काफी हाई हो जाता है। इस केस में एजोरेस ऑरेंज भी एक स्पेशल कलर है। हमारे जो पेंटिंग के चार्जेस रहते हैं उसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड हो जाते हैं, बिकॉज जो रॉ मटेरियल है इस कलर का वो एक्सपेंसिव पड़ता है।